किया। सावी के जिंदगी में नित्यम दालमिया दोबारा नहीं आने वाले, मियां दोबारा नहीं आने वाले। हेलो एवरीवन, कलर शो सावी की सवारी में फाइनली डिम्पी रॉय को दालमिया फैमिली और घर से निकाल दिया गया है और अपने इजहार के लिए वो सावी को ब्लेम करती है। वही शो के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि हिमेश चाचू घर वालों से वादा करते हैं कि अब से उनके घर में कुछ भी गलत नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ उसका सारा क्रेडिट नित्यम सोनम को देता है, लेकिन हिमेश चाचू नित्यम को सच से वाकिफ कराते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सावी ने किया था और सब कुछ करने के बाद भी उसने सारा श्रेय सोनम को दे दिया। नित्यम जब ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल सावी को मिसअंडरस्टैंड करने के अलावा उसने किया ही क्या है। वही आने वाले एपिसोड में वेदिका सावी से मिलने उसके मायके आती है। बड़े मामा जी और रत्ना मामी को डर है कि कहीं सब कुछ ठीक ना हो जाए, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, सावी और नित्यम एक हो गए तो उनका डिवोर्स नहीं होगा और उन्हें 6,000 करोड़ नहीं मिलेंगे। और इसलिए रत्ना मामी पूरी जी जान से सबको ये याद दिलाती है कि कैसे सावी अब दालमिया फैमिली का हिस्सा नहीं है, नित्यम ने उसे छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है और दोबारा से वो उसके जिंदगी में नहीं आने वाले। लेकिन एक बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में नित्यम दालमिया दोबारा से सावी के जिंदगी में आता जरूर है, लेकिन क्यों? क्या वो सावी से माफी मांग के उसे घर वापस ले जाएगा या कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए देखते रहिए सावी की सवारी और शो से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए ग्लिट्स विजन यूएसए को सब्सक्राइब करना ना भूले। हाय, आई एम अनघा भोसले एंड यू ऑल आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। हाय, दिस इज पारस कलनावत एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।